आज हम छात्रों कक्षा 11वीं में राजनीति विज्ञान में विधायिका वाला जो पोर्शन है अध्याय 5 उसका भाग 2 का अध्ययन हम करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो विधायिका है केंद्र की वो लोकसभा और राज्य सभा, तो इनको कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो लोकसभा में कुछ विशेष शक्तियाँ पहले भी हम बता चुके हैं आपको कि इसमें धन से संबंधित जो धन विधेयक होते हैं वो केवल लोकसभा में ही पास होते हैं और वही उसको स्वीकृत और संशोधित कर सकता है। बाद में राज्यसभा में जाता है लेकिन राज्यसभा भी उसको बाद में स्वीकृत या संशोधित करने के लिए दे सकता है। तो लोकसभा यहाँ पर देखिए आप, ये लोकसभा की कुछ शक्तियाँ हैं और इस वाले खंड में राज्यसभा की कुछ शक्तियाँ। इन शक्तियों को मैं वैसे पढ़ा चुकी हूँ फिर भी ये एक पॉइंट बनाकर ये आपके सामने प्रस्तुत है। तो जितने भी और जो धन विधेयक है, जो हमारा मंत्री मंडल है, मंत्री परिषद है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। जैसे कर प्रस्ताव है, बजट, वित्तीय वर्ष, तो ये सब जो वित्तीय हैं ये इनको अपन वित्तीय वर्ष में बजट प्रस्तुत करते हैं और लोकसभा में हम प्रश्न पूछकर, राज्यसभा में भी माध्यम से हम प्रस्ताव लाकर, एक बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण अविश्वास प्रस्ताव है उससे हम कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सकते हैं। कौन? लोकसभा। संविधान संशोधन कर सकते हैं, ये राज्यसभा में भी होता है। आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं कोई विशेष परिस्थिति में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव तो करते हैं, ये इनकी एक न्यायिक कार्य है। समिति और आयोगों का गठन भी करते हैं, जो समितियां होती हैं हमारी संसदीय वो गठन करती हैं और हर विधेयक और प्रतिवेदन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। अब देखेंगे आप राज्यसभा की शक्तियां। तो जितने भी सामान्य विधेयक हैं वो लोग राज्यसभा में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं और लोकसभा में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं और धन विधेयक में केवल संशोधन कर सकते हैं। संविधानिक में भी संशोधन कर सकते हैं, वो भी विशेष बहुमत से। राज्यसभा में भी प्रश्न पूछ सकते हैं अपने अधिवेशन में। संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका में क्या करते हैं? नियंत्रण। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकते हैं, ये मतलब अपदस्थ करने का काम भी राज्यसभा के द्वारा किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण काम है कि यदि केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सूची का कोई ऐसा विषय है वो उसको केंद्र में, संघ में या संवर्ती सूची में लाने पर विचार करती है तो इसके लिए राज्यसभा की हमें अनुमति लेनी पड़ती है। ये एक इसका विशेष विशेषाधिकार है राज्यसभा का कि वो राज्य सूची पर अपना। अब हम पढ़ेंगे संसद कानून कैसे बनाती है। सबसे पहले हमें कानून बनने के पहले हमें एक विधेयक प्रस्तुत करना पड़ता है। अब विधेयक क्या है? जो मांग पत्र होता है, जैसे ये विधेयक है, जब कानून बनता है तो कानून को बनाने के पहले एक मांग पत्र, कानून का जो प्रस्तावित प्रारूप है उसको हम क्या बोलेंगे? विधेयक। विधेयक ये अलग अलग क्षेत्रों से जनता के द्वारा, अपने विधायक के द्वारा या सांसद के द्वारा संसद में पेश किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जनता की इच्छा, क्योंकि तो भारत एक विशाल देश या जो भी बड़े राष्ट्र हैं तो सबकी क्षेत्रीय भौगोलिक जनता की इच्छा रहती है देश के अपने अपने क्षेत्र के, तो ये एक विधेयक लाते हैं। तो ये विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है तो उसे हम
राज्यसभा या लोकसभा दोनों किसी में भी पेश कर सकते हैं, कोई भी एक सदन में हम पेश कर सकते हैं। और उसके बाद विधेयक समिति, कुछ संसदीय समिति बनाई गई हैं, आप आगे पढ़ोगे, और वो समिति उस पर बहुत गहन रूप से विचार विमर्श करती है और सदन में विस्तार पूर्वक उस पर चर्चा होती है। फिर जो समिति है, ये समिति अपनी रिपोर्ट देती है सदन को। सदन लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इस रिपोर्ट को स्वीकार भी कर सकते हैं या अस्वीकार भी कर सकते हैं। फिर सदन में भी उस विधेयक पर बहुत विस्तृत चर्चा होती है। कभी-कभी तो संसद में ये होता है कि ये विधेयक लाना ही नहीं था, इस पर भी चर्चा होती है, बहस होती है। विधेयक या तो आगे पास हो जाएगा या रद्द हो जाएगा। फिर इसको यदि मान लो ये पारित होता है तो ये दूसरे सदन में भेजा जाता है, लोकसभा में है तो राज्यसभा में, और राज्यसभा में है तो लोकसभा में भेजा जाएगा। फिर सदन, दूसरा जो सदन है, इसको क्या कर देता है, मंजूरी दे देता है और अपने सुझाव भेजता है, अपनी सलाह प्रस्तुत करता है। और यदि मान लो इस पर कभी कभी दोनों सदनों में कभी बहस हो जाती है या बहुमत नहीं होता है, तो यहाँ पर अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, संसद की संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। जब उस पर यदि चर्चा हो जाती है तो ये विधेयक राष्ट्रपति को भेजा जाता है। राष्ट्रपति यदि सही लग रहा है तो वो उसको स्वीकृति देगा, नहीं है तो वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि स्वीकृति देता है तो ये विधेयक, यहाँ देखिए, कानून बन जाता है। और ये कानून फिर पूरे जिस भी क्षेत्र के लिए, जिस मान लो पूरे राष्ट्र के लिए या क्या विशेष राज्य के लिए ये लागू किया जाता है, तो ये फिर क्या बन गया है, कानून। तो संसद कानून कैसे बनाती है, ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसमें बहुत दिनों तक चर्चा होती है। अब जो हमने पहले विधेयक बताए आपको, अब विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। एक विधेयक हो सकता है सरकारी विधेयक, जो कि मंत्रालय और जो मंत्रिमंडल है उसके द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है, और निजी सदस्यों के, हो सकता है वहाँ पर कोई सांसद या कोई निजी सदस्य भी अपना विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। एक होता है गैर वित्त विधेयक, जो वित्त से संबंधित, धन से संबंधित नहीं है, और एक होता है धन संबंधित। जो गैर वित्त है तो उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, सामान्य विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ये सामान्य विधेयक किसी भी सदन में पारित कर सकते हैं, ये भी हम किसी भी सदन में पारित कर सकते हैं। तो ये था विधेयक के प्रकार। अब हमको पढ़ना है कि संसदीय नियंत्रण के, जो संसद है वहाँ पर भी बहस होती है, और संसद एक खुला मंच है, वहाँ पर कोई भी सांसद के ऊपर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है उस समय। तो ये एक बहुत अच्छा वो है कि वहाँ पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्या है, स्वतंत्रता है, अपने नीति नियम बनाने की। ये पूरा तो पहला पॉइंट है इसका, बहस और चर्चा। तो आप देखेंगे कि करते समय वाद विवाद भी होता है और प्रश्नकाल होते हैं। सभी को अपने, जब भी अधिवेशन होता है तो प्रतिदिन उनको प्रश्न पूछने का एक समय दिया जाता है, प्रश्नकाल आता है, जिसमें कि मंत्रियों को उनको अपने जवाब देने पड़ते हैं। अलग अलग स्थानों से अलग अलग भौगोलिक समस्याओं के आधार पर प्रश्न होते हैं। शून्यकाल, यदि मान लो कोई सदस्य ने कोई विषय पर प्रश्न पूछ लिया, तो जरूरी नहीं है कि उससे संबंधित मंत्री उसका उत्तर दे। वो आधे घंटे की चर्चा और उसके बाद वो स्थगन प्रस्ताव कर सकता है, इसको हम बोलते हैं शून्य। जो प्रश्नकाल होता है उसमें क्या करते हैं कि हमारी विधायिका द्वारा, कार्यपालिका और जो प्रशासकीय एजेंसियां हैं उन पर निगरानी हम रख सकते हैं, और संसद के सदस्यों में
प्रश्नकाल में गहरी क्या होती है, मतलब उत्सुकता पाई जाती है, क्योंकि सदन में उस समय सबसे ज्यादा उपस्थिति रहती है और जो जनता के हित में जो विषय होते हैं, जैसे मूल्य वृद्धि, अनाज की उपलब्धता, जो वर्तमान में जितनी भी समस्याएं हैं उस पर ये सदस्य सरकार की क्या करते हैं, उससे मांग करते हैं, और उनकी यदि उनको पसंद नहीं आता है तो आलोचना भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप वर्तमान में देखते हैं कि कभी कभी सारे सांसद या सारे वो कभी कभी बहस के दौरान अध्यक्ष की बातों को भी नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष उन पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। अब है कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, कानून लागू होंगे कि नहीं होंगे, तो ये अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास होता है। तो जो संसद कार्यपालिका का नियंत्रण करती है, और कोई भी विधेयक होता है वो संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। तो यदि मान लो विधायिका में बहुमत प्राप्त है, जो भी हमारी सरकार है बहुमत प्राप्त है, तो उसको कानून बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। लेकिन यदि मान लो मिलीजुली सरकार है या गठबंधन की सरकार है, तो उस समय हमें वो कानून की स्वीकृति लेने में थोड़ा सा मुश्किल जाती है। तो इस प्रकार कई ऐसे विधेयक हैं, जैसे लोकपाल विधेयक, आतंकवाद निरोधक विधेयक, इनको स्वीकृति लेने में बहुत ही थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अगला है हमारा वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण आपको मालूम ही है कि देश में जो भी बड़े काम होते हैं उसमें हमें वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। वो कार्य करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो ये सरकार से स्वीकृति लेना, ये इसके कारण विधायिका को कार्यपालिका पर भी निर्भर रहना पड़ता है कि हमारे जो राष्ट्र का जो कोष है उस पे कितना धन है और उसको कार्य करने के लिए हमें कितने धन की आवश्यकता होगी। तो धन स्वीकृत करने से पहले हमें लोकसभा सरकार द्वारा धन मांगने पर कारणों की चर्चा करनी पड़ती है, और हमारे जो ऑडिटर हैं, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और संसद की लोक लेखा समिति इस रिपोर्ट पर विचार करती है कि कहीं धन का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। फिर है अगला अविश्वास प्रस्ताव। कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का सबसे अच्छा मजबूत जो पॉइंट है वो है अविश्वास प्रस्ताव। जब तक सरकार को अपने दल या सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त है, तो सरकार को हटाने की सदन की यह शक्ति वास्तविक कम और काल्पनिक ज्यादा होगी। मतलब हम यदि सब एक ही पार्टी के हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। तो संसद के दोनों सदनों में हम देखते हैं कि जो संसद कार्यपालिका है उसको प्रभावी ढंग से हम नियंत्रित कर सकते हैं, और एक उत्तरदायी और प्रभावशाली सरकार को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये संसदीय नियंत्रण किस प्रकार होता है। अब जो संसदीय समितियां बनी हुई रहती हैं, ये किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने के लिए इनको सौंपा जाता है। अपने अपने करीब लगभग 20 समितियां हैं। कितनी समितियां हैं? 20। तो लगभग ये हर मुद्दे पर क्या करती हैं, गहराई से अध्ययन करती हैं, और अलग अलग समितियों का विषय अलग अलग होता है, तो वो अपने विषय से संबंधित मंत्रालयों से उसकी मांगे करती हैं उस विषय पर, और भ्रष्टाचार आदि मामले की जांच पड़ताल करती हैं, और किसी भी विषय पर विस्तार से विचार विमर्श करके संसद में प्रस्तुत करती हैं। तो जो समितियां हैं वो स्थायी भी हैं, स्थायी समिति,
कभी कभी अस्थायी समिति भी बनाई जाती हैं या संयुक्त या संयुक्त संसदीय समिति। ये समितियां तीन प्रकार से हो सकती हैं, कुछ समय के लिए भी बनाई जाती हैं। अब संसदीय समिति हो गई, इसके बाद अगला है संसद द्वारा स्वयं का नियंत्रण करना। तो संसद में जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा खुद अनुशासित रहते हुए, साथ में पूरे सभा को अनुशासन में रखते हुए अपनी गरिमा बनाए रखते हैं। और उसके बाद कुछ समय देखा कि दल बदल निरोधक कानून भी बनाया गया, क्योंकि कई लोग दल बदलू प्रथा को अपना रहे थे। तो ये दल बदल निरोधक कानून भी बनाया गया और उसके कुछ नियम भी बनाए गए ताकि एक स्थायी व्यवस्था हो सके। धन्यवाद।